नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन लोग हैं जिन्हें देख के रब मुस्कुराता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन कौन से? तो महबूब फरमाने लगे, एक वो बंदा, सारी मखलूक सोई है, आधी रात है, रात का पिछला पहर है, उसने उठ के वजू कर लिया, मुसल्ले पे खड़ा हो गया खुदा की याद में। फरमाया, इसे देख के रब मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक है। मुस्कुराता है अल्लाह, ये तो सोने का टाइम था, ये तो गहरी नींद आने का वक्त था, रात का पिछला पहर। रात पवे ते बेदर्दा नू नींद प्यारी आवे, दर्द मंदा नू याद सजन दी सुतिया भी आन जगावे। और सावन की काली रातों में जब बूंदा बांदी होती है, वो रातों को उठ उठ रोते हैं जब खलकत सारी सोती है, अल्लाह मुस्कुराता है। सुनना मेरे भाई, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मुसलमान नमाज के लिए सफ़े बनाते हैं ना, तरतीब लग रही होती है, अब अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, क़याम करेंगे, रुकू करेंगे, सुजूद करेंगे, फरमाया जब मोमिन सफ़े बनाते हैं तो रब देख के मुस्कुराता है, मुस्कुराता है। कमाल हो गए उरूज बंदगी का, जब बंदे को देख के रब मुस्कुराए, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, मुस्कुराता है। और मेरे नबी पाक अलैहि सलाम फरमाते हैं, जब मुजाहिद जिहाद के लिए सफे सीधी करते हैं, आज तो ये रब के नाम पे मर नहीं आ, ये सफों में खड़े होंगे, तरतीब से लड़ेंगे, तरतीब से गला काटेंगे काफिरों का, या शहादत लेंगे। फरमा, जब जिहाद के लोग सफे बनाते हैं तो रब उन्हें देख के मुस्कुराता है। कितने नसीबों वाला वो बंदा है जिसे देख के मुस्कुरा दिया। ओ यार, कभी तेरा बेटा तेरे सामने मुस्कुराए ना छोटा, तो तेरा दिल बाग बाग हो जाता है। तेरी माँ बीमार किसी एक दिन सही तरह हंस पड़े तो तबीयत खुश हो जाती। मुझे बताओ ना, जिसका रब भी उसे देख के हंस पड़े, जो उसकी शान के लायक है, क्या उस बंदे के नसीबे हैं, क्या उसके मुकद्दर हैं। आप उस मकाम पर अपने आप को लाएं। अब देखे ना, ये हदीस हमने सुन ली, अब हमने ना इस तरह सफे नहीं बनाने जिस तरह सारी दुनिया, अब जरा सफे भी शौक से बनाएं, अब जरा थोड़ा सा शौक पैदा करेंगे, भाई ये तो मैं वो काम करने लगा हूं जिसे देख के रब मुस्कुराता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा तौबा करता है, हम तौबा का रट्टा लगाते हैं, या अल्लाह मेरी तौबा यार। और तौबा का तो मतलब ये है कि पिछले गुनाहों से पक्की तौबा, आज के बाद ये गलती ना करने का पक्का वादा। तूने सारी शबे बरात रो के गुजारी है, बता सवेरे झूठ जोड़ने का इरादा है तेरा? आज के बाद रिश्वत तो नहीं ना लेगा, मिलावट तो नहीं ना करेगा? ये तौबा है। और अगर सारे काम उसी तरह करने तो फिर ये तौबा का रट्टा है, जितना मर्जी लगाओ। हजरत अली बिन रबिया रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैं मौला अली के साथ था, मकामे हर्रा की तरफ जा रहे थे, हजरत अली ने हाथ उठा के दुआ मांगी हमारी तालीम के लिए, वरना हजरत अली हम सहाबा को महफूज अनिल खता तो मानते हैं ना, हाथ उठा के कहा, ऐ अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे, तेरे अलावा कोई माफ करने वाला नहीं। और फिर हजरत अली आसमान की तरफ देखा, और देख के ना हजरत अली बिन रबिया को तो मुस्कुराए। हजरत अली बिन रबिया कहने लगे, हुजूर मुस्कुराए क्यों हो? फरमाने लगे, एक दिन मैं हुजूर के साथ इसी तरह आया था, इसी तरह हुजूर ने दुआ फरमाई थी हमारी तालीम के लिए, और फिर हुजूर मुझे देख के मुस्कुराए थे और फरमाया, जब कोई बंदा रब की बारगाह में इस तरह इस्तिगफार करता है तो रब मुस्कुराता है। और मुस्कुरा के फरमाता, देख लो मेरे बंदों को पता है कि मेरे अलावा माफ करने वाला कोई नहीं, इन्हें पता है, तुम उसकी बारगाह में रुजू तो लाओ, आओ तो सही दुआ सु लेकर। इकबाल कहते हैं कि मोती समझ के शान ने करीमी ने चुन लिया, कतरे जो गिरे मेरे अर के इंसान के, दो मैंने आंसू बहाए थे तो उसके कर्म ने तो मोती समझ के चुन लिया। सुनो ना, हुजूर इस इस्तिगफार को अल्लाह को, यार रात को तौबा करके सोना चाहिए हमें। कुछ गलतियां हम करना नहीं चाहते पर हमसे हो जाती हैं, कुछ दिल हम तोड़ना नहीं चाहते पर वो टूट जाते हैं, हमारी मजबूरी होती है टूट जाते हैं। रात को उसकी बारगाह में हाथ बांध के, कश्कोले तलब दराज करके खूब इस्तिगफार पढ़ना चाहिए कि मालिक बंदे हैं ना क्या करें, नफ्स का साथ है, दुनिया का साथ है, ख्वाहिशात नफसानियां मालिक माफ कर दे। दर्द से तौबा, रसम ना हो, कहानी ना हो,
लफ्ज ना हो, जुमले ना हो, और जनाब ऐसे लोगों के बीच बड़े हाथ बांध के और बड़ा कोई जरूरत नहीं, आप अकेले अपनी चारपाई पे बिस्तर के अंदर मुंह दे के भी दर्द से कहेंगे ना माफ कर दे तो वो तो मेहरबानी बड़ा है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल देते हैं, फरमाया एक आदमी सहरा में जा रहा, सियापा से हुजूर खिताब कर रहे हैं, फरमाया एक आदमी सहरा में जा रहा था, उसने अपनी ऊंटनी पे खाना पानी पैसे हर चीज रखी हुई थी, सहरा था बहुत बड़ा, दरमियान सहरा के गया तो थोड़ा सा सस्ताने के लिए आराम करने के लिए ऊंटनी से नीचे उतरा। अब उसने ऊंटनी की लगाम ऊंटनी की नकेल अपने सरहाने के नीचे रखी, हाथ के साथ पकड़ी और सो गया। थोड़ी ही देर के बाद जब उसकी आंख खुली तो देखा ऊंटनी गायब है, सहरा में वो पैदल ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है, ना दाएं ना बाएं, खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी का कतरा नहीं, थोड़ा इधर भागा उधर भागा, थक गया। करीम महबूब फरमाते हैं वो पूरी तरह निढाल हो गया और मायूस हो गया, माज अल्लाह मायूस होके दोबारा उसी जगह आके लेट गया जहां पहले लेटा था, इंतजार करने लगा कि अब मौत ही आएगी, आखिरी वक्त है, ना मैं पैदल ये सहरा क्रॉस कर सकता हूं, ना पीछे जा सकता हूं, ना खाना है ना पानी है, सिवाय मौत के कोई सहारा नहीं। हुजूर फरमाते हैं वो रास्ते में दोबारा लेट गया, अचानक उसने रुख बदला तो ऊंटनी सामने खड़ी थी। हुजूर ने सहाबा से पूछा बताओ ना उसे भला कितनी को खुशी हो, या रसूलल्लाह जी से नई जिंदगी मिल गई है। आप देखे ना सारे डॉक्टरों ने कह दिया कि इसके तो गुर्दे मैदा जिगर हर चीज खत्म है, घर ले जाओ खिदमत करो, हर तरफ परेशानी है। वो बंदा भी समझ गया है कि आखिरी वक्त आ गया, कल जाऊं परसों जाऊं तैयारी हो गई, सब लोग आ गए बाहर वाले भी आ गए, ये माहौल एक अजीब रंग इख्तियार कर गया। अचानक एक डॉक्टर ने आके कहा नहीं नहीं गलती लग गई थी, मुझे बताइए अंदाज क्या होता है, बगैर दवाई के बंदा उठ के खड़ा नहीं हो जाता, ओ मैं तो बच गया हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे उसकी ऊंटनी मिल गई, बताओ भला उसे कितनी खुशी होगी, या रसूल अल्लाह वो तो दोबारा दुनिया में आ गया। हुजूर फरमाने लगे उसे कुछ भी खुशी नहीं हुई, जब कोई रब का गुनाहगार बंदा आके तौबा करता है रब को इससे कई गुना ज्यादा खुशी होती है। मेरा बंदा आ गया, मेरा बंदा आ गया, मेरे घर आ गया, उसने आंसू बहाए हैं, उसने कहा अल्लाह मैं तेरा यूं तेरा ही रिज़्क़ खाता हूँ, तेरी ही जमीन पे रहता हूँ, तेरे नाम से मेरी सांसें चलती हैं। वो आ गया, पर मैं उस ऊंटनी वाले से ज्यादा रब को खुशी होती है जब गुनाहगार आके तौबा कर, गुनाहगारों के आंसू उसकी बारगाह में बड़े मकबूल हैं, लेकिन हम रस्म अदा करते हैं तौबा नहीं करते, हम अपने आप के साथ धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं। हम बंदा कोई नाराज हो जाए तो हमें को नहीं नींद आती, उसके घर चले जाते हैं, हम अपने सारे रिश्तों को ताल्लुकात को मेंटेन करके रखने के आदि, हमें पता है कि वहां मैं नहीं जा सका तो बेटा भेजता हूं, फलां शादी पे मैं नहीं जा सका तो भतीजा भेजता हूं, भाई भेजता हूं, हर ताल्लुक का हमने ख्याल रखा कोई रूठ ना जाए। कमाल है ना, ये नहीं सोचा कि अगर रब रूठ गया तो, जब वो रूठ जाए ना तो सारे रिश्ते भी बंदे के पास मौजूद हों तो कोई करामत नहीं होती, फिर करोड़ों रुपया जेब में हो तो डॉक्टरों की दवाइयां असर नहीं करती, वो रूठ जाए तो फिर इंसान इस तरह से फिसलता है कि बड़े बड़े उसके पास दरवाजे होते हैं पर किसी जगह उसका हाथ नहीं लगता। खुदा रा सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान आ गया, बुखारी मुस्लिम है, हुजूर ने अजवाज मुतहरात के घरों में पैगाम भेजा कुछ चीज है ज़ियाफ़त के लिए, या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं, ये दो जहां के शाह है और पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमते हैं इनके खाली हाथ, या रसूलल्लाह कोई चीज भी नहीं। हुजूर ने सहाबा के मजमे पे नजर डाली, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म हो तो हुजूर फरमाने लगे तुम में से कोई बंदा है जो इसे घर ले जाए रोटी खिलाए। एक सहाबी उठे फौरन, हुजूर मैं लेके जाता हूं खाना खिलाता हूं, फरमाते हैं मेरे घर में सिर्फ बच्चों का खाना था, ये नहीं कि फ्रीजर भरा हुआ है नेमतों से, सिर्फ बच्चों का खाना, ये नहीं कि किसी को देख के अपनी हंडिया पे बर्तन दे लिया, सिर्फ बच्चों का खाना। कहते हैं घर गया, बीवी से कहा क्या कैफियत है, कहने लगी बच्चों की रोटी है, मैंने कहा बच्चे सुला दे सुबह नाश्ता कर लेंगे,
तो कहने लगी आप क्या खाएंगे, तो मैंने कहा ना मैं खाऊंगा ना तू खाएगी, मेहमान जो नबी पाक का है। अच्छा अब जरा तजवीज देखो मियां बीवी की, सूझी आपस में, कहते हैं खाना लगा देना क्योंकि एक आध बंदे का खाना है। अपनी गुर्बतों का हर जगह इजहार करना, रोना रोना, ये देखो गुर्बत कैसे छुपाई जा रही। उसको कहा नहीं कि चल तू थोड़ा रहम खा, तू आया है तो थोड़ा रहम खा, ये नहीं कहा। कहा उठ के ना तू खाना रखना और उठ के ना चिराग ठीक करने के बहाने बुझा देना। हम दुनिया वालों के सामने क्यों अपने दुख बयान करें, हम जो कहेंगे रब रसूल की बारगाह में कहेंगे। तू ना चिराग ठीक करने के बहाने, अहलिया उठी खाना देने के बाद चिराग ठीक करने के बहाने बुझा दिया। खामत भी हाथ चलाते रहे, बीवी कभी बर्तन रखती कभी उठाती, पता चले कि खाना खा रहे हैं, खाना खाया जा रहा है। कहते हैं मेहमान पेट भर के खाना खा गया, ये काम हुआ रात के अंधेरे में, उस वक्त हुआ जब चिराग भी बंद था, उस वक्त हुआ जब कोई देखने वाला नहीं था, किसी पड़ोसी को भी खबर नहीं थी। फरमाते हैं सुबह के उजाले में उस मेहमान को लेके मस्जिद नबी मैंने कदम रखा तो नबी करीम ने फरमाया रात जो तुमने काम किया है ना उसे देख के मेरा रब बड़ा मुस्कुराया है, अल्लाह बड़ा मुस्कुराया है। अल्लाह तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन न छोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। ये शान है सहाबा की। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब रात मुस्कुराया तेरा ये अंदाज देख के, और उसने कुरान नाजिल किया वयुक्सिरूना आला अनफुसी वलौकाना बिहिम खसासा। कुछ लोग वो हैं जिन्हें बड़ी भी जरूरत हो तो दूसरों पर इशार कर दें। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए सारा कुछ बनाया, हुवल लज़ी खलक लकुम मा फिल अर्द जमीया, फरमाया जमीन में जो कुछ है सारा तेरे लिए बनाया। किसी को आप नौकरी पे रखते हैं, उसके साथ मुआहदा ये होता है कि ये तुझे रहने के लिए मकान दिया जाएगा, तीन वक्त का खाना दिया जाएगा, दो तीन दफा पीने को चाय मिलेगी और इतनी तनख्वाह हम हर महीने तुम्हें अदा करेंगे। और फिर ड्यूटी ये है कि ये मशीन है, इस पर तुमने सुबह 8 बजे से 4 बजे तक काम करना है। अब वो शख्स क्या करता है, वो तनख्वाह भी वसूल करता है, मकान पे भी कब्जा कर लेता है और वो तीन वक्त खाना भी खा लेता है, चाय भी पी लेता है और महीने के बाद तनख्वाह भी वसूल कर लेता है, पर मशीन पे खड़ा नहीं होता। तो उसका मालिक उसे रखेगा, बोलते नहीं आप हजरा, रखेगा उसे छुट्टी करा देगा। वो कहेगा तू कितना अजीब आदमी है कि अब जो मुतालबात तेरे थे वो सारे पूरे हो गए और जो मेरा मुतालबा है वो तूने पूरा ही नहीं किया। इख्तलाफ हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, मालिक नाराज हो जाएगा। समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं कि हमने क्या किया, हमने अल्लाह की दी हुई जमीन पर गुजारा भी किया, उसका दिया हुआ रिस्क भी खाया, अल्लाह ने औलाद दी हमें, अल्लाह ने सेहत दी, सारा कुछ दिया, तो जो मुतालबे हमारे थे वो तो सारे पूरे हो गए। और जो रब का मुतालबा था कि मेरे कुर्ब के रस्ते का सफर करो, तलाश करो, वजाहिदू फी सबीलिल्लाह, मेरे रस्ते में मुजाहिदा करो, जद्दोजहद करो, आगे बढ़ो, वो हमने कब करना है, वो उसकी मनसूबाबंदी कब होगी। अल्लाह के कुर्ब का रास्ता तय करना, हमारे सूफियाना रोज देखा करते थे कि आज हमारे दिल में हमारे रब की कितनी मोहब्बत है, आज कितना मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपने अल्लाह की तरफ बढ़ूं, रोज जायका महसूस करते थे, तलब पैदा करते थे। हमारे मिजाजों के अंदर हर चीज की तलब पैदा हो गई है, लेकिन वो जो एक खास जौक था ना अल्लाह के कुर्ब का, उसकी चाहत, उसकी तलब, उसकी तरफ बढ़ना, महसूस करना कि मेरा रब है, महसूस करना कि मैं किसी का बंदा हूं, मुझे कोई रिस्क देता है। हमारे सूफिया औलिया सहाबा अहले बैत अंबिया ये हर वक्त महसूस करते थे कि मैं कोई शुतरे बेमुहार नहीं, कोई मेरा है जो मुझे बनाने वाला है, जो मुझे नवाजने वाला है, जो मुझे अता करने वाला है। वो अपने रब की चाहत करते, अपने रब से मोहब्बत करते, अपने रब की तलब पैदा करते, शौक बढ़ाते रोज इबादत का। उनके अंदर एक जज्बा था जो रोज परवान चढ़ता था, 5 नमाजें पढ़ने के बावजूद वो इशराक पढ़ते, चाश पढ़ते, तहज्जुद पढ़ते, सलातुल लैल पढ़ते, वो कुरान पाक की तिलावत करते, फिर भी कभी उनका जौक आता तो वो दुनिया से कट के मुसल्ले पे ही आके बैठ जाते।
लेकिन वो दर्द, वो जायका, वो कैफियत, वो चीजें मान पड़ती जा रही हैं। कौम अगर कभी को मसला पूछती है तो बड़ा आरजी सा, रब दा तालिब कोई ना मिलिया, जो मिलिया तालब जर दा हो। हजरत सुल्तान बाबू फरमाते हैं कि मतलब किधर गए लोग जो रब को तलब करते थे, जिनकी ख्वाहिश थी कि हमें अल्लाह का कुर्ब नसीब हो, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत का जौक हमें नसीब हो, वो कहां गए? हमारा एक मकसद था, देखे ना बड़ा प्यार आता है अल्लाह को उस बंदे पे। हजरत अल्लामा इस्माइल लकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि मैंने इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, जमीन पे नायब बनाऊंगा। कालू अताजअलु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहमदिका व नुकद्दिसु लक। काला इन्नी आलमु मा ला तअलमून। फरमाया मैं जमीन पे नायब बनाने वाला हूं, तो कहने लगे या अल्लाह वो तो फसाद फैलाएगा, खून रेजी करेगा। तो अल्लाह ने फरमाया जो तुम जानते हो वो मैं, जो मैं जानता हूं वो तुम, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता। तो अल्लामा इसमें लकी फरमाते हैं वो क्या था जिसको फरिश्तों को नहीं पता था? फरमाते हैं ये वही इंसान के अंदर जो अल्लाह के कुर्ब के मुतलाशी होने का जज्बा था, फरिश्ते उसे जानते। लोहे महफूज पे ये तो पढ़ दिया था कि ये फसाद करेगा, ये तो पढ़ा था कि अबू जाल फसाद करेगा, ये नहीं पढ़ सके थे कि अबू बकर रोया भी करेगा। ये तो पढ़ लिया था उन्होंने, ये तो पढ़ लिया था कि अखनस बिन शुरैक तलवारें निकाल के लोगों को कत्ल करेगा, ये नहीं पढ़ा था कि मौला अली शेरे खुदा मजदूरी करेंगे और जो मजदूरी मिलेगी वो अल्लाह के बंदों में तकसीम कर दिया करेंगे। ये तो उन्होंने पढ़ लिया था कि अबुल बुख्तरी अबू लहब ये लोगों के गले काटेंगे, पर ये नहीं पढ़ा था कि उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला नो कहत के जमाने में भी करोड़ों का माल अल्लाह के रस्ते में खर्च कर दिया करेंगे। वो जो इंसान के अंदर तलब है, वो जो तड़प है, वो जो शौक है, वो जो कैफियत है, वो जो मारफत का नूर है, ये अल्लाह को बड़ा ही पसंद, ये बड़ा ही पसंद। इसलिए हदीसे कुदसी में रब फरमाता है मुझे तलाश करना हो तो टूटे हुए दिलों में तलाश किया, टूटे हुए दिलों। अब वो मैं मारफत की क्या बात करूंगा, पहले तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं करूं भी कहीं से चलो पढ़ के तो करूं कहां? मैं तो अभी तक लोगों से 5 नमाजों का वादा ले रहा हूं। वो मारफत की बात, कुर्ब इलाही का रास्ता, वो तो बड़ी दूर की बात है, वो तो बड़ी आगे की है। अभी तक तो हम ये वादा ले रहे हैं कि दाढ़ी रख लोगे, सच बोलोगे, हलाल खाओगे, मतलब वो जो हमारे बुजुर्गों ने लिखा, वो जो जज्ब है, वो जो कैफियत है, वो जो इबादत है, वो जो तड़प है, और वो फिर जो एक मकाम है कि इंसान अपने रब की इस तरह इबादत करे कि वो अपने रब को देख रहा है, वो जो एक मकाम है। और कम से कम ये ना हो तो हुजूर फरमाने लगे इतना तो हो कि रब तुझे देख रहा है, लेकिन वो तो दर्जा है ना बड़ा आगे, हम उसे बड़ा आगे की बात तसव्वुर करते हैं, लेकिन हुजूर ने अपनी उम्मत के लिए उसे जरूरी करार दिया। भाइयों थोड़ा सा ना आगे उठ के, मतलब बड़े बड़े आदमी बन गए हम लोग, बड़े बड़े आदमी। बड़े आदमी कैसे बन गए कि जिसके पास फूटी कौड़ी नहीं होती थी उसके अकाउंट में करोड़ों आ गया तो वो कहता मैं बड़ा आदमी बन गया। जिसके पास साइकिल नहीं थी तो अब वो 1.25 करोड़ की कार पे बाजारों पे बैठता है तो कहते हैं मैं बड़ा आदमी। तो इस तरह तो इंसान बड़ा नहीं बनता, बड़ा तो तू तब बनेगा जब तेरे दिल में रब की मार्फत बड़ी होगी, जब अल्लाह का कुर्ब बड़ा होगा, जब तू मुतलाशी होगा उसके रस्ते का। बहुत सारे रस्ते हैं अल्लाह की तरफ जाने के, लेकिन 3 बातें कुर्ब इलाही के लिए हमारे बुजुर्गों ने बड़ी जबरदस्त लिखी हैं। सबसे पहली बात यह है, सूफिया फरमाते हैं कि अगर रब का कुर्ब चाहते हो तो हर वक्त अपने रब की रहमत की उम्मीद रखा करो। खुश नहीं हुए आप इस बात से? हर वक्त अल्लाह की रहमत की, और फरमाते हैं दिल से उम्मीद रखा करो और जुबान से अपने रब की रहमत का जिक्र किया करो। हर वक्त कहा करो कि मेरा अल्लाह बड़ा ही मेहरबान, मेरा अल्लाह बड़ा ही करीम। हमारा पता क्या हाल है, शुक्र भी शिकवे के अंदाज में, क्या हाल है? कहते बस जी बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कौन सा शुक्र है जी? ये तो आपने कहा है कि बड़ा तंग हूं मैं अपनी जिंदगी, ये शुक्र है? हर वक्त ये कहे कि मेरा अल्लाह बड़ा ही करीब है। देखे ना बिस्मिल्ला शरीफ हर काम से पहले, माना क्या है? बिस्मिल्ला इर्रहमानिर्रहीम, यानी तू कह उस रब के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान है, जो निहायत ही रहम करने वाला। हर वक्त क्या है कि मेरा अल्लाह बड़ा मेहरबान है, मेरा अल्लाह बड़ा रहम, हर वक्त वो खास जौक, वो दर्द, वो शौक, बस तू कहे कि यार जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो शायद अल्लाह ने किसी और को दिया ही नहीं। तेरा ये जौक बने, तेरे अंदर अल्लाह की रहमत के साथ खास ताल्लुक पैदा हो। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम हर मकाम पे अपने रब की रहमत का जिक्र फरमाते,
बात किसी की हो रही होती, हुजूर छेड़ अल्लाह की रहमत का जिक्र देते। एक सहाबी चिड़िया के बच्चे उठा के ले आए, वो चिड़िया शिकायत लेके आई और हुजूर के कंधे पर बैठकर शिकायत करने लगी कि हुजूर आपके सहाबी ने मेरे बच्चे उठा लिए। बात तो चिड़िया के बच्चों की हो रही थी ना, रसूल करीम फरमाने लगे इसके बच्चे छोड़ दो। और फिर हुजूर फरमाने लगे देखो ये चिड़िया अपने बच्चों से कितना प्यार करती है, जब चिड़िया इतना प्यार करती है तो रब अपने बंदों से कितना प्यार करता हो, अल्लाह कितनी रहमत वाला होगा। यानी हर बात में रसूल करीम ना, हर बात में अल्लाह की रहमत का जिक्र। एक जंग का मौका है तो सहाबा किराम अली मुरीदवान फरमाते हैं कि दौरान जंग एक औरत का बच्चा खो गया और बच्चा भी दूध पीता था। दूध पीता बच्चा कुछ देर मिले ना तो मां की छातियों में दूध जोश मारता है। दूध पीता बच्चा खो गया तो औरत दीवानों की तरह, मजजूबों की तरह बच्चा तलाश करती, मेरा बच्चा, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, ढूंढती है तलाश करती है, परेशान होती। मेरे रसूल करीम की नजर पड़ गई, हुजूर की नजर रहमत हो गई तो महबूब फरमाने लगे सहाबा बताओ इसका बच्चा ढूंढो। एक सहाबी कहने लगे हुजूर मुझे पता है कहाँ है, अभी मिलवा देता हूं। तो हुजूर ने फरमाया अपने बच्चे से कितना प्यार करती। अर्ज की हुजूर ना कोई माप सकता है, ना कोई तोल सकता है, ना कोई अंदाजा कर सकता है। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, फरमाया एक बात तो बताओ या रसूलल्लाह पूछिए, फरमाया अगर इसका बच्चा इसे मिल जाए तो ये उसे आग में डालेगी। उसे आप अर्ज करने लगे हुजूर हो ही नहीं सकता, ये तो गर्म हवा नहीं लगने देगी। तो हुजूर फरमाने लगे मेरा रब इससे बहुत बढ़कर अपने बंदों से मोहब्बत करने वाला और इससे बहुत बढ़कर अपने बंदों पर रहम करने वाला है, वो भी चाहता नहीं कि उसके बंदे जहन्नम में जाए, वो भी चाहता। हुजूर हर लम्हा अल्लाह की रहमत का जिक्र करते हैं, सुबह से शाम तक ना। आज आपने जुमे से लेकर तरावी तक, इशा तक, वो जो घुटना दर्द करता है ना उसको मेहरबानी करके छोड़ दें, और जो बच्चा नाफरमान है उसको भूल जाएं। आज सारा दिन ना अल्लाह की रहमत का जिक्र करें कि अल्लाह बड़ा ही करीम है, उसके फजल का जिक्र करें। एक कारोबार ही नहीं ना चलता, पैर तो चलते हैं ना अल्लाह के फजल से, जुबान तो चलती है ना, हाथ आंखें ये सारा कुछ चल रहा है ना। जो शह नहीं ना चल रही उसको आज छोड़ दे मेहरबानी करें, जो सारी चल रही है उस पर तो अल्लाह की रहमत का इजहार करें, उस पर तो गौर फरमाएं। इमाम गजाली ने बड़ी खूबसूरत रवायत लिखी, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि हम लोग बैठे थे तो यकायक एक देहाती अराबी आया, यकायक अंदर दाखिल हुआ, अस्सलामु अलैकुम कहा। बंदा बड़ा सादा था, यह भी नहीं पूछा कि बातें क्या हो रही थी, कोई सवाल जवाब नहीं। सलाम लेने के फौरन बाद अर्ज करता यार रसूलल्लाह एक मसला पूछना था। कहते हम हैरान हो गए कि यार पहले पूछ तो ले, पहले क्या बात हो रही, आते ही अपनी छेड़ दी है, एक मसला पूछना। तो हुजूर ने फरमाया पूछो। अर्ज करने लगा हुजूर ये बताया कयामत वाले दिन हिसाब किसने लेना है। तो महबूब मुस्कुराए, फरमाया बोले आदमी सादी सी बात है, हिसाब अल्लाह ने लेना है। कहते वो बात सुन के ना तो चल पड़ा, जवाब सुन के तो चल पड़ा, रुका ही नहीं। तो हुजूर ने फरमाया ठहर तो जा, पहले तो तू आया है, सलाम ली है, बात भी कोई नहीं करने दी, धड़ाम से अंदर दाखिल हुआ और सवाल का जवाब लिया, और फिर तूने तबसरा ही नहीं किया तो निकल गया। या रसूलल्लाह हुक्म करे। फरमाया क्या पूछ रहा था। हुजूर पूछा है कि हिसाब कौन लेगा। तो हुजूर फरमाने लगे मैंने बताया अल्लाह लेगा, तू बोला क्यों नहीं। कहने लगा या रसूलल्लाह बस इतना ही पता करना था, अगर अल्लाह ने हिसाब लेना है तो फिर हमने बाची जाना है इंशाल्लाह, फिर बाची जाना है। तो हुजूर फरमाने लगे किस तरह। कहने लगा या रसूलल्लाह जब वो करीम गालिब आएगा ना, जब उसका गलबा आएगा तो वो बड़ा करीम है, उसने माफ ही करना है, उसने माफ ही करना है, उसने करम ही करना है। अदल करे ते थर थर कंबन, अदल करे ते फिर थर थर कंबन उच्चिया शाना वाले, ते फजल करे ते बख्शे जावल मेरे जय मुंह काले। फरमाया उसने माफ ही करना है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया ठीक है तू जा। वो चला गया तो हुजूर रोने लगे। फरमाते हमने अर्ज की हुजूर क्या हुआ। तो महबूब फरमाने लगे बंदा बड़ा सादा था पर बात बड़ी खरी कर गया है, बड़ी खरी बात कर गया। करीम जब गालिब होता है तो माफ ही फरमाता है। तो भाई सादे लोगों को भी पता था कि अल्लाह की रहमत की बात, हमारे घरों में, हमारी गुफ्तगू में, हमारा एक दूसरे से मिलना, नाराज ना होना, मायूसी की बातें करते हैं, मायूसी, मैं इंतजार में हूं कि कोई बंदा मुझे मिले और आके कहे मैं बड़ा राजी हूं, बताए अल्लाह का शुक्र कैसे करना। मैं इंतजार में हूं, इतने सालों में मुझे बंदा कोई नहीं मिला, जो मिला उसने यही कहे परेशान बड़ा हूं दुआ कर दे, बड़ी अजियत है, सबसे ज्यादा मैं ही तंग हूं, कुछ करे, कोई वजीफा बताए, कोई तावीज दे, कोई मिले ना यार, कोई मिले, कोई कहे क्या अल्हम्दुलिल्लाह ताला। और मैंने तालीम के लिए सिर्फ
और इजहार नेमत के लिए, तशक्कुर के लिए कई दफा आपके सामने ये कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के उस्ताद मुझे मिले शायद किसी को ना मिले, और मैंने इजहार तशक्कुर के तौर पर कहा है फिर किस तरह के शागिर्द मुझे मिले हैं इतने अच्छे फरमा बरदार शायद किसी को ना मिले, और जिस तरह के सादे और दरवेश माँ बाप अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। अब तो बड़ा तेज लोगों का जमाना है ना, शायद कहीं मुयस्सर आए। और मैं कहा करता हूँ इतने फरमा बरदार मुरीद भी नहीं मिलते, लोग तो कहते हैं फरमा बरदार नहीं मिलते, हमें अल्हम्दुलिल्लाह फरमा बरदार ताबेदार हर लिहाज से अच्छे मिले। उसकी वजह यह है कि जैसे मुर्शिद अल्लाह ने हमें अता फरमाया ऐसा किसी को अल्लाह ने अता, तो शुक्र करें अल्लाह की नेमतों, शुक्र करें। बस जहां बैठेंगे जुमले टूटेंगे, जहां बैठेंगे परेशानी। मुझे कुछ बंदे ऐसे मिलते हैं दुनिया में जो सिर्फ अकेले ही ठीक है, यानी अब्बा जी ने भी जुल्म ही किया सारी जिंदगी, अम्मा ने भी जुल्म ही किया, उस्ताद भी सारे गलत मिल गए, और हर बंदा ही उन्हें, और फिर बाद में औलाद मिली तो नाफरमान ही मिल गई। तो मैं कहता हूं यार ये हो नहीं सकता। वैसे महाराज चलो अगर तू कहता है तो बात समझ में आती है कि हो सकता है कुछ सानहा ऐसा हो गया हो। अल्लाह की रहमत की बात करें, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा सादा था पर बात पते की कर गया। यहां तक लिखा इमाम सफूरी ने कि कयामत के दिन अल्लाह एक बंदे के लिए दोजख का हुक्म देगा, बंदा जहन्नम की तरफ जा रहा है, फरिश्ते जंजीरें डाल के खींच कर ले जा रहे हैं, बंदा जा रहा है दोजख की तरफ, फरिश्ते खींचते हैं तो वो फिर मुड़ के पीछे देखता है। तवज्जो है मेरी बात पर, इधर देखना जरा, वो कई दफा किसी को खींचते हैं ना तो मुड़ मुड़ के पीछे देखता है। चलो आपको समझाता हूं समझ आ जाएगी। वो जब स्कूल जाने को दिल नहीं ना करता था जी, उनते सिलेक्शन देने ना अपने बच्चों, और बड़ा डेढ़ डेढ़ घंटे का, बच्चे नाराज ना हो जाए, जब वो कभी जिस नलायक का स्कूल जाने को दिल और उसको खींचते थे तो वो पलट पलट के पीछे जाता नहीं। इसी तरह मदरसे में भी जब आते हैं तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आते नहीं तो खींच खींच के नहीं ले जाते कई दफा, तो जब खींच के फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं खींचते हैं तो पलट के फिर पीछे देखता है, फिर फरिश्ते खींचते हैं फिर पीछे देखता है, फिर फरिश्ते, जरा नजारा देखना, दोजख को ले जा रहे पलट पलट के अल्लाह की तरफ देखता है, दोजख का दरवाजा आ गया फिर पीछे देख रहा है। रब करीम ने फरमाया इसे वापस बुलाओ, रहमत दा दरिया इलाही, बुलाओ इसे वापस। वापस आया, अल्लाह ने फरमाया और बता तू पलट पलट के क्या देखता था। वैसे अल्लाह को नहीं पता क्या देख रहा है, क्या देख रहा था, तो रो पड़ा, अर्ज करने लगा मालिक मेरा यकीन था कि तू बड़ा ही करीम है, अल्लाह मेरा ईमान था तू बड़ा रहीम है, अल्लाह मेरा ज़ेन था तू माफ करने वाला है। जब फरिश्ते खींचते थे ना तो शैतान मुझे कहता था अब तू जहन्नम में जाएगा, पर मेरा यकीन कहता था नहीं रब ने माफ कर देना है, अल्लाह ने माफी दे देनी है, बख्शा जाऊंगा। फिर शैतान कहता था जब फरिश्ते खींचते थे, मैं कहता था नहीं माफी मिल जाएगी, या अल्लाह दोजख का दरवाजा आ गया पर मेरी उम्मीद नहीं टूटी, अल्लाह दरवाजा जहन्नम का आ गया पर मेरी उम्मीद नहीं टूटी, और जब मैंने आखिरी दफा पलट के देखा तेरी आवाज आई कि वापिस लाओ, तो मेरे अंदर से आवाज आई कि ले भाई तेरा यकीन जीत गया है, तेरा ईमान जीत गया है, तेरे अंदर की रूहानियत कामयाब हो गई। बंदे और रब की बातें हो रही हैं तो फरिश्ते चुप करके खड़े हैं, तो रब ने फरमाया तुम खामोश खड़े हो, अर्ज की या अल्लाह इसका करना क्या है। फरमाया करना क्या है, जो मेरी रहमत की इतनी ज्यादा उम्मीद रखे उसे जहन्नुम में डाल दूं, ये कैसे हो सकता है, इसको पकड़ो और मेरे फजल के साथ इसे जन्नत अता कर दो। तो पहली बात यह कि अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखें, सुबह से शाम तक कहें अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहें। एक होता है तकब्बुर के तौर पर बड़के मारने के लिए जिक्र करना, वो मना है, डींगे नहीं मारने बल्कि अल्लाह की रहमत का जिक्र करें, तशक्कुर के लबो लहजे, तशक्कुर के लबो लहजे। हमारे ना लफ्जों से शिकवे छलकते हैं, हमारे जुमलों से छलकता है कि हम परेशान हैं, हमारी बातों से महसूस होता है कि हम किसी वजह से बड़ी तकलीफ में हैं, इसको निकाल दें। जब बंदा अल्लाह की रहमत की उम्मीद करेगा तो अल्लाह भी फिर रहमत फजल और करम के बादल ही बरसाएगा। दूसरी बात हमारे बुजुर्गों ने लिखी है, अगर अल्लाह के कुर्ब का रास्ता तय करना है तो वो इस तरह मिलेगा कि अल्लाह के हर फैसले पर राजी हो जाओ, जहां अल्लाह ने मुझे बिठाया मैं राजी हो जाऊं, जहां अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे भाई को बिठाया है वहां मेरा भाई राजी हो, जहां जहां अल्लाह ने हमें बिठाया है हम उस जगह पे राजी। मामला पता क्या है, हम अपनी मर्जी का फैसला चाहते हैं, और मर्जी तो अल्लाह की चलेगी, मर्जी अल्लाह की चलेगी। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा तुम कौन हो, हुजूर मोमिन, फरमाई ईमान की दलील दो।
भी ये बात मुझसे को पूछे तो शायद मैं झगड़ा करूं कि ईमान की दलील। हुजूर ने फरमाया कौन हो? या रसूल अल्लाह मोमिन। फरमाया दलील दो। हुजूर दलील है हमारे पास, दो। या रसूल अल्लाह अल्लाह नेमत देता है तो हम शुक्र अदा करते हैं, मुसीबत डाले तो सब्र करते हैं, और जो फैसला अल्लाह हमारे हक में कर दे हम उस पर राजी रहते हैं। मेरे महबूब का चेहरा खुशी से खिल उठा, फरमाया तुम्हें मुबारक हो, तुम तो वाकई बड़े पक्के मोमिन हो। तुम मोमिन हो अगर अल्लाह के फैसलों पे राजी रहते हो तो फिर तुम। हुजूर फरमाते हैं कुछ लोगों को अल्लाह कयामत में बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल करेगा, फरिश्ते पूछेंगे पुल सिरात से हुआ है, वो कहेंगे देख ही नहीं। मिजान अमल तुलवाए, वो कहेंगे देखा ही नहीं। कैसे आ गए? तो कहेंगे खुदा के फजल से आ गए। फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारा अमल क्या था? वो कहेंगे कुछ भी नहीं, आम लोगों की तरह नमाज पढ़ते थे, रोजा रखते थे, हज फर्ज हुआ तो किया, जकात अगर हमारे ऊपर लागू हुई तो दी, आम रूटीन के मामलात। तो फरमाया इतनी बड़ी फजीलत के बगैर हिसाब किताब जन्नत कोई तो वजह होगी? तो बंदे अर्ज करेंगे वजह एक ही थी कि रब जो हमारे हक में फैसला करता था हम उस पर राजी हो जाया करते, हमें कोई शिकवा उस पर रहता। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, तवज्जो है मेरी बात पर, इधर देखना जरा मेरी तरफ, अल्लाह आपको खुश रखे। कुछ लोग ना जी कहते हैं डॉक्टर इकबाल ने दाढ़ी क्यों नहीं रखी थी, तो ये गलती की अल्लामा इकबाल ने, रखनी चाहिए थी उन्हें। नाराज हो गए आप लोग? जो जिसकी गलती है वो उसकी ये गलती हो गई उनसे, उन्होंने नहीं ठीक किया। अब इकबाल के दाढ़ी ना रखने से क्या सुन्नत की मुखालफत पर उसे डिग्री दी जाएगी? वो मैं क्यों ना हूं, जो काम खिलाफ सुन्नत है वो बहरहाल। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इकबाल ने सिर्फ दाढ़ी नहीं रखी, बाकी सारे काम अच्छे किए, तो आप बाकी के तो सारे अच्छे कर लेना। इकबाल ने जो काम किया, जो दीन का दर्द दिया, जो पैगाम दिया, जो जद्दोजहद की, उसको तो समझ लो ना। मतलब सिर्फ दाढ़ी पे आके दलील पकड़ते हो। अल्लामा इकबाल ने मकान भी नहीं बनाया अपना, कितना बड़ा आदमी है, कोई जायदाद है उसकी? तुसी भी छोड़ो मकान सारे। इकबाल वो देखे ना, बाबे बुल्ले शाह की लोग मिसाल दे देंगे, बाबा साहब मजबूब आदमी थे, तो बाबा साहब के हिस्से में तो कई मरबे जमीन आती थी, वो भी उन्होंने नहीं ली। हमारा मलंग रोटी का उसको पता है, नोटों का भी पता है कि 5000 वाला कौन सा है, 100 वाला कौन सा है, बाकी टाइम वो बाबा बुल्ले शाह बन जाता है। ये कौन सा स्टाइल है कि मर्जी की चीज आई तो काबू कर ली? तो डॉक्टर इकबाल ने ये दुरुस्त किया, लेकिन इसके बावजूद हमारा नजरिया है कि अल्लाह उसकी ये खता माफ कराएगा, पर बंदा बड़ा बाकमाल था, ये बड़ी खूबी थी, और उसमें भी कुछ हिकमत होगी, कुछ बातें ऐसी उन्होंने लिखी हैं बाज़ जगहों पे। लेकिन इकबाल की जो मारिफत है, जो हुसन है, जो वकार है उनके लबो लहजे में, उसका इनकार किया जा सकता नहीं। लेकिन इसको हम डिफेंड भी नहीं करते, जो किसी में कोई कमजोरी है वो बहरहाल उसकी हो। एक सवाल बड़ा उठता था, लोग कहते थे कि आप रोज दाढ़ी की बात भी करते हैं और अल्लामा इकबाल की बात भी करते हैं, तो मैंने आज उसकी वजाहत कर दी। बात की समझ आ गई आप हजरात? अल्लामा इकबाल ने एक बात लिखी है, इकबाल कहते हैं जब मैं लंदन में वकालत करता था तो एक खातून थी, लेडी बार्नस उसका नाम था, छोटे मोटे मुकदमात लेके वो मेरे पास आती थी। बीबी एक होटल चलाया करती थी, उसका खामन जो था वो फौज में मुलाजम था। इकबाल ने खुद लिखा है, इकबाल फरमाते हैं कि एक दिन वो खातून फिर किसी केस के सिलसिले में मेरे पास आई, तो जब वो आई तो उसने नकाब ओढ़ा हुआ था, बुरका किया हुआ था, तो चूंकि उसने नकाब ओढ़ा था मुसलमानों की निशानी थी, नकाब ओढ़ना किन की निशानी है, अल्लाह आपको खुश रखे। तो कहते वो निशानी चूंकि अहले इस्लाम की थी तो मुझे तजस्सुस हुआ, मैंने कहा लेडी खैरियत है मेम साहब भाई, ये बुरका पहना हुआ है? तो कहने लगी हंस के, इकबाल मुझे पक्का यकीन था कि आप जरूर पूछेंगे। तो मैंने कहा अच्छा, तो ये बुरका? तो कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो गई। तो मैंने फौरन कहा कि आपका शौहर तो फौज में मुलाजम है, फौजी के लिए बदलना और फिर मुल्की कानून और ये चीजें? तो कहने लगी उसने मुझे क्या कहना था, वो खुद कलमा पड़ गया। तो कहती है मैं और मुतजस्सिस हुआ, वो केस की बात करती तो मेरा तजस्सुस बढ़ गया। मैंने कहा तू केस छोड़िए, बता कलमा कैसे पढ़ा? तो कहने लगी इकबाल असल बात यह है कि मैं ना बे औलाद थी, खामद भी बड़े अच्छे पैसे कमाता, मैं खुद भी होटल चलाती, पर डिप्रेशन और टेंशन और बिला वजह की परेशानियां जान नहीं छोड़। ये टेंशन और डिप्रेशन का ना मुझे अरबी तर्जमा कोई नहीं मिला, ये डिप्रेशन और टेंशन का ना मैंने तलाश किया है लेकिन मुझे अरबी लुगत के अंदर इनके मानी मुझे लगता है कि उस जमाने में ये चीजें थी ही नहीं, होती तो इनका कोई नाम भी, ये आज है ना तो इसलिए आज के जमाने में ही नाम है मुफ्त का, मुफ्त की परेशानी। तो कहती है मुझे टेंशन और डिप्रेशन रहती थी हर वक्त, बड़ी मैं परेशान रहती थी। मेरे साथ एक अजीब वाक्य हुआ कि मेरे होटल में ना एक बाबा जी बर्तन मांजते थे,
बूढ़े आदमी थे, 70 साल के करीब उम्र थी। उनका एक बेटा था, एक बहू थी, एक पोता था, लेकिन वो बेचारे बेटा बीमार रहता था तो लिहाजा वो खुद मजदूरी करते। कहती है एक दिन वो बाबा जी मेरे पास आए, कहने लगे मेम साहब 2-4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा खैरियत है? कहने लगे मैडम मेरा बेटा फौत हो गया। बेटा, आपको पता है बाप का जनाजा पढ़ना आसान है, बेटे का जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल काम। कहती है मैं कुछ लिख रही थी, मेरे हाथ से कलम गिर गया, मैंने खुद गाड़ी भेजी, बाबा जी गांव चले गए जहां वो रहते थे। कहती 2-3 दिन के बाद मैं और मेरा शौहर गए तो रास्ते में हम बातें कर रहे थे कि क्या ताजियत करेंगे, एक ही बेटा था, कोई रिश्तेदार भी नहीं, तो उसकी तो कायनात उजड़ गई, किन लफ्जों से उसे ताजियत क्या कहेंगे। कहते जब हम गए तो वो टूटी हुई चटाई पे बैठा था, कुछ लोग करीब थे, हमने जाके कहा बाबा आप मुसलमान हैं, हम आपको क्या नसीहत करें, एक ही बेटा था कि किस तरह करके हम आपको तसल्ली दें। तो कहते उसने आंखें खोली, बूढ़ी आंखों में ईमान की रोशनी, कहने लगा बीबी क्या ताजियत की बात करती हो, मैंने को पैसे जमा करा के बेटा लिया था, खुदा ने फजल से दिया था, अदल से ले गया है, मैं अपने रब के फैसले में बड़ा राजी हूं, अल्लाह बड़ा करीम है, वो ले गया उसका माल था। आप यकीन करें हमारे देहाती लोग ये कहा करते थे, मैंने कानों से सुना है। एक बूढ़े आदमी का एक दफा बेटा फौत हो गया तो किसी ने उससे कहा बाबा छोटी उम्र में बच्चा चला गया तो मुझे लफ्ज नहीं भूलते, कहने लगे पुत्र अल्लाह की फसल है, कच्ची वड्डे तां वी होदी है। सुने आपने भी कभी ये फिक्रा, कच्ची वड्डे ते पक्की लै जाए तां वी है जो होदी, तो जब उसका जी चाहा वो ले गया। अल्लाह अकबर। वो खातून कहती है कि वो बाबा जी से मैंने कहा कि चलो आप एक महीने की छुट्टी कर ले, तो कहने लगा नहीं मैडम मैं मुसलमान हूं, मुफ्त की रोटी नहीं खाता, मजदूरी करके खाता हूं, मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद काम पे आ जाऊंगा। कहती वो चंद दिनों के बाद आ गया, अल्लाह की कुदरत के अभी 2-3 माह गुजरे थे फिर आया, मैडम छुट्टी चाहिए कुछ दिनों की। मैंने कहा खैरियत है? कहने लगे वो मेरी बहू भी हार्ट अटैक से फौत हो गई। कहते अब मैं भी तड़प गई और ईसाई हो कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा घर का दरवाजा बंद हो गया, अब ये बेचारा क्या करेगा, वो अपने शौहर के गम में हार्ट अटैक से फौत हो गई। कहते हम फिर 2-3 दिन के बाद ताजियत के लिए गए, फिर टूटी हुई चटाई, बूढ़ा ना अपनी उंगलियों से जमीन पर कुछ बना रहा। कहती है करीब गई और मैंने जाके कहा बाबा अब तो तसल्ली आपने खुद ही करनी है, जो निजाम था वो तो हो गया। तो कहते हैं फिर उसने आंखें खोली, आसमान की तरफ देखा तो कहने लगा बेटी कोई परेशानी नहीं, मेरा बेटा बगैर शादी के भी तो फौत हो ही सकता था ना, बस मेरे मालिक ने जब चाहा जैसे चाह हुआ, मैं इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद काम पे आऊंगा, ये मेरा 3-4-5 साल का पोता है, अभी स्कूल दाखिल हुआ है, मैं साथ ले आऊंगा, वहां मेरे साथ ऊपर क्वार्टर में जहां मैं रहता हूं ये भी रहेगा। कहती है मैं सख्ते में आ गई उसकी कैफियत देख के, वो पोते को साथ ले आया, कभी कभी मैं देखती छत पे खड़े होके कि दादा घोड़ा बना हुआ है और पोता सवारी कर रहा है, वो सवेरे उठता उसको स्कूल छोड़ के आता, शाम को लेके आता, प्यार करता, मोहब्बत करता। तीसरी मंजिल पर हमने क्वार्टर दिया हुआ था, वहां दादा पोता रहते। अल्लाह तू बड़ा बेनियाज है। कहती है इकबाल एक दिन ना पोता ऊपर वाली मंजिल पे खेल रहा था, उसका पैर फिसला, वो गर्दन के बल जमीन पे गिरा, मुझे खबर हुई तो मैं दौड़ी एम्बुलेंस मंगाई, खून से लिथड़े हुए उस बच्चे को दादे ने अपनी गोद में रखा। और जब हम अस्पताल की तरफ गए तो हॉस्पिटल बाद में आया, जनाबे इजराइल पहले आ गए। और कहते हैं वो गोद में दम तोड़ गया, फिर दादे ने उसे अपने हाथों से गुसल दिया, फिर उसने अपने बूढ़े हाथों से कब्र खोदी और फिर मिट्टी डाल के कहने लगा इन्ना लिल्लाहे वइन्ना इलैहि राजिऊन, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, फिर सुख नूं चुल्ले डावां। कहते वो मिट्टी डाली उसने और जब वो वापस पलटा तो मैं बाजू से थाम के होटल करीब लाई और मैंने उसके करीब कहा कि बाबा तू टूट गया है, तू बिखर गया है, मुझे महसूस होता है कि अब ना तेरी रातें और तेरी सुबहें और तेरी शामें गमों में गुजरेंगी। तो कहते हैं यूं उसने हाथ रखे और यूं आंसू छटक दिए, कहने लगा मैडम क्यों क्यों, मेरे अंदर कोई अकीदा नहीं, मैं कोई लवारस हूं, मेरा कोई रब नहीं, मैं क्यों परेशान रहूंगा, मैं तो पक्का हुआ फाल हूं, थोड़े दिन गुजरेंगे कब्र में जाऊंगा और जब जन्नत में जाऊंगा तो अल्लाह मेरी बेटे से भी मुलाकात कराएगा, मेरे पोते से भी मुलाकात कराएगा, मेरा रब सारी मुलाकातें करा देगा, मैं अपने अल्लाह की रजा पे बड़ा राजी हूं।
वो खातून कहती है मेरा और मेरे शौहर का कलेजा फटने लगा। मैंने कहा बाबा ये जज्बा कहां से मिलता है, ये सुकून कहां से आता है, ये कैफियत कैसे मिलती है। मुझे कहने लगा तूने लेनी है, मैंने कहा, तो कहने लगा तू भी गुंबद खजरा वाले नबी का कलमा पढ़ जा, तू भी रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ जा। आ मेरे महबूब का कलमा पढ़, अल्लाह तुझे सुकून अदा करेगा। एक हदीस ना पढ़ दो मुस्लिम शरीफ से, बुखारी से एक हदीस ना पढ़ लो ताकि ये बात मजबूत हो जाए। हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला, बेटा शदीद बीमार, मजदूर आदमी थे, कई दिनों से घर थे। बीवी कहने लगी अगर आप घर में बैठे रहेंगे तो खाएंगे कहां से, जाओ आप मजदूरी करो, मैं बेटे को देखती हूं। अबू तलहा मजदूरी करने चले गए, शाम को आए तो बेटा फौत हो चुका था। औरतें बेहौसला होती है ना अक्सर, पर बीवी ने सफेद कपड़ा डाल के कमरे में रख दिया। बेटा, मां और बेटा को नाप तकता है रिश्ता, बेटे में सफेद चादर डाल के कमरे में रख दिया। हजरत अबू तलहा अंसारी आए, बेटे का क्या हाल है, कहने लगी अल्लाह की रहमत में है। अल्लाह की, कैसा जुमला है, अल्लाह की रहमत में है। खामद ने खाना खाया, बीवी से मिलने को दिल किया तो मुलाकात हुई, फारिग होके बैठे तो खातून उठ के ना खामद के करीब गई, उसका हाथ थामा, कहने लगी नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हो, एक मसला दरियाफ्त करना था, बताओगे। पूछो, कहने लगी अगर कोई आपके पास अमानत रखवाए और फिर अपनी अमानत वापस मांगे तो क्या करोगे। हजरत अबू तलहा कहने लगे पूछने वाली क्या बात है, जिसकी अमानत है वापस कर देंगे। अब जौजा रोई, अब सबर वाली बीबी रोई, अब मां रोई, आंसू टपके आंचल से पूछ के कहने लगी अबू तलहा वो बेटा भी अल्लाह की अमानत था और रब अपनी अमानत ले गया है, उठो गुस्ल कफन का बंदोबस्त करो। हजरत अबू तलहा उठे, आमते कामते हाथों से गुस्ल कफन दिया, मस्जिद नबी में पहुंचे, महबूब की बारगाह में अर्ज किया तो रसूल करीम फरमाने लगे तेरे और तेरी बीवी के अमल से अल्लाह भी बड़ा राजी है, अल्लाह के रसूल भी बड़े राजी है और अल्लाह तुझे बरकत अता करेगा। सहाबा कहते हैं फिर अल्लाह ने उन्हें 9 बेटे अता फरमाए, फिर अल्लाह ने उन्हें, अल्लाह की रजा पे राजी रहना सीखो, अल्लाह के करीब चले जाओगे अल्लाह की रजा पे। हजरत सुफियान सौरी दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, दुआ मांग रहे थे। बीबी राबिया बसरी पर्दे के पीछे बैठी थी, जब दुआ लंबी हो गई तो कहने लगी सुफियान बस कर, कोई अगला लफ्ज भी बोल, बस कर। आप फरमाने लगे तुझे क्या हुआ, तो कहने लगी तू कब से कह रहा या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, पहले अपने दिल पे हाथ रख के बता तू अल्लाह से राजी है, तू राजी है अल्लाह से। तू रोज नहीं कहता पैसे नहीं है मेरे पास मुझे दे, तू रोज नहीं कहता या अल्लाह फलानी चीज कोई नहीं दे, ऐ अल्लाह फलां को दे दिया मुझे क्यों नहीं देता, माज अल्लाह तू रोज शिकवे नहीं करता। फरमाया पहले तू तो राजी हो जा। तिर्मिजी शरीफ की हदीस है, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पे राजी हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी थोड़ी इबादत से राजी हो जाए। देखे ना इमाम हुसैन का आखिरी जुमला क्या है मैदान करबला, आखिरी जुमला क्या है, मैं 5000 मस्जिद दे के कहता हूं दिया नहीं मैंने, अल्लाह बड़ा राजी है मुझसे, 5 नमाजें पूरी नहीं पढ़ता। इमाम अली मकाम ने ना दिल कलेजा जान औलाद हर चीज निकाल के रख दी, तो आखिरी जुमला ये था ए अल्लाह बता तू हुसैन से राजी है कि नाराज है, अल्लाह तू राजी है कि नाराज है। भाई पहली बात रहमत इलाही, दूसरा अल्लाह की रजा पे, यानी अजीब बात है ना, जब अल्लाह करोड़ों दे तो दुनिया छुपाती है और जब थोड़ा कारोबार ठंडा हो जाए तो सारी दुनिया को दुनिया बताती है। तो जब मैं तो कह रहा हूं कि मैं बंदा ढूंढ रहा हूं जो मुझे मिले आके कहे कि शुक्र का तरीका बताओ, तो मिल ही नहीं रहा, को मिले जो कहे बड़ी खैर है, हर लिहाज से अपने रब से राजी हो, मिल ही नहीं रही दुनिया। तीसरी बात, अगर अल्लाह के करीब जाना है, ये उन लोगों के लिए जो मार्फत इलाही के मुतलाशी हैं वो खास तवज्जो करें, अगर रब करीम के करीब जाना है तो फिर एक जहन बनाए कि मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब मेरे, नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। और दरवेश कहते हैं जे मैं तेनू अंदर जाना तो फिर मुकय्यद जाना, जे मैं तेनू बाहर जाना तो अंदर कौन समाना, अंदर भी तू है तो बाहर भी तू, विच बुल्ला कौन नुमाना। फिर तसव्वुर करें कि अल्लाह मेरे साथ है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैंने अपने मुर्शिद से कहा कोई वजीफा जो पढ़ा करूं
فرمانے لگے جنید پڑھا کر کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ وظیفہ پڑھا کر۔ کیمرے لگا دیے ہر جگہ ہماری گورنمنٹ نے، کہتے ہیں کیمروں کی مدد سے پکڑا گیا، کیمروں کی مدد سے، مسجدوں کے دروازوں پہ کیمرے، ایئرپورٹوں پہ کیمرے، ریلوے اسٹیشن پہ کیمرے، بڑے بڑے جنرل اسٹور پہ کیمرے، نیچے لکھا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ کیمرے کی آنکھ دیکھے تو لوگ گناہ نہیں کرتے، تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے؟ یہ تصور کیوں نہیں جمتا کہ رب ہمیں؟ اور اللہ فرماتے ہیں ولی من خاف مقام ربی ہی جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے گا نا، اللہ اسے دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ اسے ایک دفعہ اگر کوئی ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے، کتنی دفعہ بولیں تو صحیح؟ اس پر ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ کبھی زندگی میں ایسا ہو کہ گناہ پر ہمارا پورا قبضہ ہو گیا ہو، گناہ پورا قابو میں آ گیا، آپ کوئی روکنے والا نہیں، تو فرمایا جو اس وقت اللہ کے خوف سے ڈر جائے گا اللہ اسے دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں نا ایک بادشاہ کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا، تو وہ بھی ملکہ تھی، کسی بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھی، اس نے بھی سخت جملہ کہا، کہنے لگی چل دور ہٹ جہنمی، معاذ اللہ۔ اب اس نے اپنے خاوند کو جہنمی کہا تو کہا، وہ کہنے لگا اس کا خاوند کہ اچھا تو مجھے جہنمی کہتی ہے، جا پھر اگر میں جنتی نہیں تو تجھے تین طلاقیں، اب کیسے ثابت ہو کہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے، کیسے پتا چلے گا؟ علماء سے پوچھا تو وہ کہنے لگے ہم کیسے بتائیں، کون ڈگری دے کہ تو جنتی ہے کہ جہنمی ہے؟ بات دور نکل گئی، امام شافعی کے پاس گیا، وہ رسوخ رکھتے ہیں علم فقہ کا، ان کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا حضور یہ مسئلہ ہے۔ امام صاحب فرمانے لگے اکیلے میں مجھے ملتے ہو؟ وہ اندر آیا، کچھ دیر گفتگو ہوئی تو امام صاحب فرمانے لگے لو جی یہ بندہ جنتی ہے، اس کی بیوی کو طلاق کوئی نہیں ہوئی، یہ جنتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے لوگ فتویٰ جلدی دے دیتے ہیں، کچھ لوگ خلاف تقریریں کرنے لگے کہ بادشاہ تھا تو امام صاحب نے بچا لیا، کیسے آپ نے ڈگری دے دی کہ جنتی ہے جی؟ تو امام صاحب کہنے لگے تم بحث نہ کرتے تو میں بات پردے میں رہنے دیتا، سنو میں نے بادشاہ کو تنہائی میں بلا کے پوچھا ہے کہ کبھی اللہ سے بھی ڈرے ہو؟ صرف اس لیے کہ اس وقت اللہ دیکھ رہا ہے، یہ نیت کبھی بندوں سے ڈر کے، تو بندے بڑے گناہ نہیں نہ کرتے، کبھی اللہ سے ڈر کے بھی چھوڑا ہے؟ تو بادشاہ کہنے لگا بالکل چھوڑا ہے، میری ایک کنیز تھی بڑی خوبصورت، غریب گھر کی ملازمہ، غریب گھرانے کی تھی، ایک دن میں آیا تو میرے کمرے میں صفائی کر رہی تھی، معاذ اللہ میرا اس پہ دل آ گیا، میں نے دروازہ بند کر لیا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی، میرا اپنا محل تھا، مجھے کچھ دیکھ بھی لیتا تو کسی میں جرت نہیں تھی مجھے منع کرنے، اور میں چونکہ حکمران تھا اور مطلق الانام تھا، کوئی شکایت بھی نہ کرتا، لیکن جب میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے ایک ہی لفظ کہا، کہنے لگی تو اللہ سے نہیں ڈرتا، تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کہنے لگا کوئی نہیں تھا امام صاحب مجھے منع کرنے والا، کوئی نہیں تھا، لیکن جب اس نے کہا تو اللہ سے نہیں ڈرتا تو میں کانپنے لگا، میں نے اس سے معافی مانگی، غریب ملازمہ سے میں نے بادشاہ ہو کے معافی مانگی، میں نے معافی مانگی، پھر میں نے دروازہ کھولا، کہتے ہیں وہ چلی گئی، امام صاحب کہنے لگے اٹھ میرے سینے سے لگ، کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا جو تنہائی میں اکیلے میں ایک دفعہ بھی رب سے ڈر جائے اللہ اسے دو جنتیں عطا فرمائے گا، تو جنتی ہے، اس لیے کہ تو یار کبھی تو ایسا ہو، کبھی تو ایسا ہو بھولا گاہک ہمارے قبضے میں آ گیا ہو، ہم اپنا پورا اس پر تسلط رکھتے ہوں پر ہم اللہ سے ڈر جائیں، کبھی ایسا ہو کہ کروڑوں روپیہ ہمارے تسلط میں ہو، ہم چاہیں تو جتنا مرضی استعمال کریں لیکن ہم اللہ سے ڈر جائیں۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، ایک نوجوان صحابی کا بیٹا مسجد جایا کرتا تھا، بڑا نیک تھا، ایک عورت اس کو اپنی طرف بلانے لگی، لبھانے لگی، نوجوان تھا، ایک دن دل آ ہی گیا بی بی پہ، عشاء کی نماز پڑھ کے اس کے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ کسی قاری صاحب نے آیت پڑھ دی والی من خافا مقام ربی ہی جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا رب دو جنتیں ادا کرے، یہ آیت کیا سنی کہ نوجوان بے ہوش ہو کے گرا، کسی نے باپ کو خبر دی کہ تیرا بیٹا بے ہوش ہے، باپ گھر لائے، بالوں میں ہاتھ پھیرا، بیٹے کیا ہوا؟ اس نے آنکھیں کھول کے کہا ابا جی میں نے گناہ کیا نہیں، لیکن میرا قبضہ پورا ہو گیا تھا گناہ پہ، وہ بالکل راضی تھی، میں چاہتا تو میں گناہ کر لیتا لیکن میں اللہ سے ڈر گیا، کیا واقعی رب مجھے دو جنتیں دے گا؟ تو باپ نے ماتھا چوما کا بیٹا اللہ کے وعدے بڑے ہی سچے ہیں، بڑے سچے ہیں، تو یہ تصور کر کے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے پھر ڈر جا، واقعی دو جنتیں دے گا۔ اس نوجوان نے چیخ ماری اور روح ہی پرواز کر دی، رات کو جنازہ پڑا دفن کر دیا، صبح حضرت عمر آئے، فرمایا اتنا نیک نوجوان تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا،
मैं उसके गुस्ल में शरीक होता, कफन में शरीक होता, मैं जनाजा पढ़ाता। हुजूर बस रात देर हो गई, दफन कर दिया। इमाम सुयूती ने लिखा, इब्ने कसीर ने लिखा, इब्ने असाकर ने लिखा, हजरत जनाब उमर फारूक फरमाने लगे मुझे बताओ तो सही उसकी कब्र कहाँ है। नेक हो कोई बंदा तो कब्र पे जाना चाहिए। फरमाया बताओ कब्र कहाँ है। हजरत उमर को कब्र पे ले गए तो सैयदना फारूक आजम कब्र पर खड़े होके फरमाने लगे, नौजवान मुझे उम्मीद है अल्लाह ने तुझे दो जन्नतें दी होंगी। हजरत उमर कहते हैं मुझे अल्लाह की कसम कब्र के अंदर से बोल पड़ा, कामिल पीर ओना दे बाहू कब्र जिमांदी जीवे, कब्र के अंदर से बोल पड़ा। कहने लगा उमर उम्मीद वाली बात नहीं, मेरे रब के वादे बड़े सच्चे हैं, उसने वाकई मुझे दो जन्नतें अता फरमाई, उसने वाकई दो जन्नतें दी हैं। कभी कोई काम तो ऐसा हो जो सिर्फ अल्लाह से डर के छोड़ा जाए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप यकीन करें, बच्चों से डर के हमने बड़े काम छोड़ दिए, भाइयों से डर के छोड़ दिए, दुनियादारों से डर के छोड़ दिए, और कभी कभी मैं कह देता हूं कि बहुत सारे माँ बाप ने औलाद से डर के छोड़ा, बहुत सारे उस्ताद शागिर्दों से डरते हैं, इल्ला माशाल्लाह कुछ पीर मुरीदों से डरते हैं। काश हम अल्लाह से डरना शुरू करें। जब रब से डरोगे फिर किसी और से नहीं डरोगे। अल्लाह का खौफ संवारता है, सजाता है, ये जहन बनाए। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला ने कर रहा था तो सहरा में मैं खाना खाने के लिए बैठा, एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था, मैंने दावत दी रोटी खा लो, कहने लगा मैंने रोजा रखा है। आप फरमाते गरीब आदमी था, नफली रोजा, मैं उठ के करीब गया, मैंने कहा पता तो करूं सिर्फ रोजेदार है कि नेक भी है, सिर्फ कुछ रोजेदार होते हैं पर नेक, नाराज ना हो जाइएगा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर की बात कर रहा हूं, कुछ नमाजी होते हैं पर नेक, हाजी होते हैं पर नेक, वो तकवा नहीं इख्तियार करते, मकासद नमाज और मकासद रोजा नहीं जानते। कहते मैं करीब गया तो मैंने जाकर उसे कहा ये बकरी बड़ी प्यारी है, बेच नहीं देता मेरे हाथ? कहने लगा मेरी नहीं, मैं तो चरवाहा हूं, तनख्वाह पे बकरियां चराता हूं, किसी और की है, मालिक कोई और है। तो फरमाते मैंने उसे कहा कि मालिक को कह देना कि एक बकरी भेड़िया ले गया था, ये 300-400 बकरियां, मालिक को क्या पता? कहने एक भेड़िया ले गया है। तो कहते हैं उसने दाढ़ी झाड़ी तो गर्द उड़ी, गरीब आदमी मिट्टी में लिथड़ा हुआ लेकिन उसकी आंखों में इतनी रोशनी। कहने लगा हुजूर बकरियों के मालिक से तो कह दूंगा भेड़िया ले गया है, और जब कायनात का मालिक पूछेगा, जब अर्श का मालिक पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा? आप फरमाते मैं वापस आया, मैंने पता किया किसका गुलाम है, पहले गुलाम खरीदा, फिर बकरियां खरीदी, फिर वो बकरियां उसे तोहफे में दे दी। कहने लगा हुजूर ये क्या है? फरमाया तू रब से डरता था ना, तो अल्लाह ने तुझे इनाम अता फरमाया। अब इस मोड़ पे ले आई है प्यास यारों को, अब इस मोड़ पे ले समंदर देखा।